एक खबर आ रही है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लगातार चौथे दिन भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। रनिया अरेस्पुरा गनाचक सेक्टर में अभी भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। बीएसएफ की 35 चौकियों को निशाना बनाया गया। बीएसएफ के जवान भी पाक को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लगातार चौथे दिन से पाकिस्तान अरेनिया कनाचक अरेस्पुरा सेक्टर में फायरिंग कर रहा है, और जहां पर गांव वालों में भी दहशत है सीमा पर मौजूद। और पाकिस्तान की कोशिश, बीएसएफ की चौकियां, करीब 35 चौकियों को निशाना बनाया गया है। रुक रुक कर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग जारी है। तीस बार सीज फायर का उल्लंघन। बाईस बॉर्डर पोस्ट पर हमला। 13 गांवों पर गोलाबारी। 3 लोगों की मौत। छह लोग घायल। तीन हजार लोगों का पलायन। साल 2003 संघर्ष विराम के बाद पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हिंदुस्तान के खिलाफ ये सबसे बड़ा हमला हुआ है। हालांकि पाकिस्तान की नापाक हरकत पिछले 16 जुलाई यानी 38 दिनों से चल रही है, लेकिन इस शनिवार यानी 23 अगस्त को पाकिस्तान ने सारी सीमाएं लांघी। बड़ा सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान को उसकी कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब देगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना राजधर्म निभाएंगे? पड़ोसी देश पाकिस्तान की इस हरकत का हिंदुस्तान में जबरदस्त विरोध हो रहा है। विरोधी सरकार से सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि वो किसका इंतजार कर रही है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, आप कहा करते थे कि आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे, आज वो वक्त आ पहुंचा है। पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। देश अब ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, सब्र का पैमाना भर चुका है।